मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 9वीं और 11वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। एमपी बोर्ड ने परीक्षा के नतीजे ऐसे समय में जारी किए हैं जब अधिकांश परीक्षा बोर्डों ने अपनी परीक्षाएं और उत्तर पुस्तिकाओं को चेक करने की प्रक्रिया को भी टाल दिया है। तो यहाँ पर इस बार ये रिजल्ट 11वीं और 9वीं का ऑनलाइन आया है। तो यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पर जाना है, मैं आपको लाइव बता रहा हूँ अभी। इस प्रकार आपको रिजल्ट देखना है, तो सर्वप्रथम आपको www.bemars.mp.gov.in इस प्रकार की वेबसाइट पर जाना है, www.bemars.mp.gov.in। फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर वेबसाइट लोड हो रही है, इस प्रकार वेबसाइट आ जाएगी। तो वहाँ पर आपको नीचे की ओर जाना है, नीचे नोटिफिकेशन फ्लैश हो रहा है, कक्षा 9 एवं कक्षा 11 के परिणाम के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, फिर आपको इस प्रकार का नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करना है, यहाँ पर स्कूल क्लास और फिर ये इंटर सम ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पर पहले हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे बगल में छात्र बैठा हुआ है, इसका रिजल्ट देख लेते हैं हम। तो छतरपुर हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर हम ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, राजनगर। अब यहाँ पर हम स्कूल सेलेक्ट करेंगे, तो स्कूल है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खजुराहो। अब यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करेंगे हम, तो यहाँ पर क्लास है कक्षा 11। अब यहाँ पर ये इंटर सम ऑफ डिजिट्स, तो यहाँ पर ये टोटल हमें 22 और 15 का टोटल लिख देना है। तो यहाँ पर 37 और यहाँ पर 100 कर देना है। अब यहाँ पर कि यहाँ पर PDF हमारे में मोबाइल में पहले से ही डाउनलोड है, तो यहाँ पर डाउनलोड कर देते हैं। तो इस प्रकार की PDF आ जाएगी, मैंने पहले भी यहाँ पर रिजल्ट देख लिया है ये। तो इस प्रकार आपको रिजल्ट देख लेना है। यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा हुआ है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खजुराहो, यहाँ पर आपके स्कूल का नाम लिखा होगा। फिर यहाँ पर ये रोल नंबर है, अनुक्रमांक, यहाँ पर परीक्षा फल है, यहाँ पर प्रतिशत है। किसी किसी स्कूल में नाम भी दिया गया है छात्रों के। यहाँ पर जो हाई सेकेंडरी स्कूल खजुराहो, यहाँ पर छात्र छात्राओं के नाम नहीं दिए गए हैं, सिर्फ उनका रोल नंबर और प्रतिशत और परीक्षा फल दिया हुआ है। तो इस प्रकार आपको ये रिज़ल्ट कक्षा 9वीं और 11वीं का इसी प्रकार सेम टू सेम देख लेना है। कक्षा को आपको बदल देना है, यहाँ पर 11वीं का हमने देखा है, 11वीं की जगह आपको 9वीं का रिज़ल्ट कक्षा 9वीं लिख देना है, तो 9वीं का रिज़ल्ट आ जाएगा आपका।